बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था, उसका टॉपिक नंबर 8.3 था अल्केन्स की प्रिपरेशन। तो आज हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने हाइड्रोजनेशन के जरिए से अल्केन्स को प्रिपेयर किया था अल्काइल हैलाइड्स के जरिए से, आज हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इसके अंदर ज्यादातर क्या होता है कि सोडियम साल्ट्स और फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो सोडियम साल्ट जो होते हैं फैटी एसिड्स की, उनको हम रिएक्ट करवाते हैं विद दी सोडा लाइम। अब हमारे पास सोडा लाइम क्या चीज है? सोडा लाइम हमारे पास बनती है बाय दी कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को सोक करवाते हैं, ठीक है, इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर हमारे पास क्या बन जाता है, क्विक लाइम, जिसको हम कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है, सो ये चीजें हमारे पास होती है जिनको हम रिएक्ट करवाते हैं, और फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो जाती है। सो इधर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, सो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इधर हमें चाहिए सोडियम साल्ट और फैटी एसिड, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एच को हटा के सोडियम लगा देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से इसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बना देगा। ठीक है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट और फैटी एसिड। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे विद द सोडियम लाइम विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इसके अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, उसको हम जितना दे सकते हैं टेम्परेचर उतना देंगे। अब जब ये टेम्परेचर हम इसको देंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इधर जो Na है ये, ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास और ये ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करेंगे आपस में। सबसे पहले तो हमारे पास Na जो है ये दो है, तो ये क्या बन जाएगा, Na2। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कार्बन के साथ एक दो तीन ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएंगे, अटैच, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा हमारे पास, और बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, R और H, ये मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, अल्केन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, अल्केन। अब हम क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप जो है इसको हम एडअप करके देखते हैं कि हम R की जगह यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लगाते हैं CH3 मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, और बाकी हमारे पास वही कार्बन है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना रहा है, और ये हमारे पास सोडियम साल्ट जो यहाँ पर क्या हुआ, अटैच हुआ हुआ एज अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको टेम्परेचर देंगे, तो फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो चीजें है ना, ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वही दो Na हमारे पास, ठीक है, ये दोनों दो Na बना देंगे, Na2, और हमारे पास कार्बन एक दो और तीन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच होगा, तो CO3। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और H, ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CH4 विच इज मिथेन, और ये हमारे पास क्या है, अल्केन। इसके अलावा आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दी हुई है, वो है सोडियम प्रोपियोनेट की। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली इथाइल ग्रुप जो है वो R की जगह अटैच करेंगे, इधर क्या किया हमने, इधर सिर्फ और सिर्फ हमने R की जगह क्या किया, जो कि हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप को जो है अटैच कर दिया, CH3CH2, और आगे हमारे पास क्या है, ये सोडियम साल्ट बन गया। ठीक है, तो जहां पर Na जो है वो अटैच होगा, अब वही हम क्या करेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, टेम्परेचर देंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास फिर से ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो Na हो जाएंगे कार्बन, वही तीन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा CO3, ये सोडियम कार्बोनेट बना देंगे, और बाकी हमारे पास ये CH3CH2 और ये H रह जाएंगे, ये आपस में हमारे पास मिलकर क्या बना देंगे, CH3, इस CH2 के साथ एक H अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास CH3 एंड CH3 ये बना देंगे हमारे पास इथे।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन के जरिए से हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हुए अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद टॉपिक्स हम उनको स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।